मैच नहीं हो रहा था, कुछ समझ में नहीं आया मेरे मतलब को। एक बंदा जिसके सीएस में 1300 विंस है यार, उस बंदे के मतलब क्लासिक और रैंक में भाई इतने कम किल्स हैं, जिसको देख के मुझे आंसू आ गए कि भाई इतने बुरे तो लोकेश गेमर के भी नहीं होते यार। वेल डन वेल डन, मतलब इससे कई गुना अच्छा स्टेट्स तो अपना लोकेश लेके बैठा है। यार मतलब शर्म करो भाई, तुम लोग लोकेश से हार गए भाई। आर यू कॉमेडी मी? लोकेश से हारो तुम आज, मतलब प्रोफाइल स्टेट्स के मामले में, मतलब प्रोफाइल स्टेट्स के मामले में। भोसड़ी के बाद मुझे किसी ने एक बात बताई थी कि चूतिया बनाने के लिए भी चूतिया बनना पड़ता है, और यहाँ पर भी सीन कुछ ऐसा ही है। आज से पूरे एक दिन पहले स्काईलॉर्ड भाई ने एक वीडियो बनाई थी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इवेंट्स के बारे में, बोल रहा हूँ यार लड़ाई पे मत पहुंचो, और वो अलग बात है जिसमें पाकिस्तान के सर्वर का नामो निशान ही नहीं था। और जब थोड़े से लोगों ने इसमें हेड देना शुरू किया तो स्काईलॉर्ड भाई ने बड़ा हरामी हो बेटा यार, मतलब इसका चूतिया बनाने के लिए हम ही मिले थे, नहीं मतलब हम ही। और जब मुझे ऐसी फीलिंग आई कि यार ये कमेंट तो वीडियो बनाने के थोड़ी देर बाद की गई है, तो फिर मैंने जाके रूफी भाई से पूछा, जी हाँ यार तुम्हारे रूफी भाई, और उन्होंने पूरे 4 मिनट बाद यू डिक्शनरी से आंसर ढूंढ के मुझे बोला कि जी हाँ गाइस तुम लोगों ने सही पहचाना, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय यू डिक्शनरी। मजाक कर रहा हूँ, गजब बेइज्जती है। नहीं इसका यार मैं तुझे मान गया यार, कसम मैं तुझे मान गया, मैं तेरा फैन तो था अब तो दीवाना भी हो गया। मतलब तुमने सिखा दिया यार, जहाँ पे फट रही हो ना वहाँ पे आप अप्रैल फूल्स का नाम दे दो, और जहाँ पे अप्रैल फूल्स ना है वहाँ क्या करना पड़ेगा ये सोच। सो ओके गाइस, आई होप आप लोगों को ये बच्चों की समझ में आ गई होगी कि क्या मैटर चल रहा है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।